हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूं आपका पेपर आएगा चैनल में। आज मैं आपके लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर के जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, आज हम एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी कि जितनी भी जो फॉर्म्स होती हैं पोइट्री की उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक जो सोनेट होता है, सोनेट मीन्स गाथा, यानी कि सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा 14। कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं एक सोनेट में। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द डिवीजन ऑफ इटालियन सोनेट्स, यानी कि इटालियन सोनेट जो है वो कितने भागों में है? दो में है। कितने में? दो में, सेस्टेट, सेस्टेट और ऑक्टेव। ठीक है, तीसरा है हु रोट सोनेट्स इन इंग्लिश पोइट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, हु रोट, किसने लिखा फर्स्ट टाइम में इंग्लिश पोइट्री में सोनेट, किसने लिखा? ये थे हमारे व्याट। कौन थे? व्याट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज सोनेट्स, यानी कि शेक्सपियर ने किसको अपना सोनेट डेडिकेट किया था? किसको किया था? डब्ल्यू एच। पहला हमारा जो चैप्टर था लेट मी नॉट लव टू ऑफ ट्रू माइंड्स, उसमें किसको डेडिकेट किया था? डब्ल्यू एच को। ठीक है, फिफ्थ है हमारा व्हाट इज द चीफ सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एलिजीज, एलिजीज नहीं होता एलोजीज। ठीक है, जो चीफ सब्जेक्ट है इंग्लिश एलिजीज का वो क्या है? लिमेंटेशन। ठीक है, लिमेंटेशन मीन्स क्या होता है? लिमेंटेशन मीन्स होता है शोक, सोरो ऑन डेथ, किसी की मृत्यु पर दुख, सेलिब्रेट डेथ, किसी की मृत्यु पर सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑल ऑफ देम। ये चार, ये तीनों ही क्या है? चीफ सब्जेक्ट है इंग्लिश एलिजीज के। एलिजीज क्या होती है? जिसमें इमोशनल सीधे डायरेक्ट दर्शाया जाता है, कोई भी स्टोरी नहीं होती है, किसी की डेथ पर, दुख पर ही हमेशा एलिजीज लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट द मोस्ट परफेक्ट एपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहली बार मोस्ट परफेक्ट एपिक किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा होमर ने। किसने लिखा? होमर ने। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स, यानी कि मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स का मास्टर किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है पोप को। किसे कहा जाता है? पोप को कहा जाता है मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आठ पे आते हैं। आठ है हमारा What is the ninth line in a Spenserian? Spenserian stanza called? यानी कि Spenserian stanza की ninth line को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है Alexander Rhine. क्या कहलाती है? Alexander Rhine. क्या है? Alexander Rhine. Sonnet is a poem of. Sonnet जो है कितने लाइनों की होती है? अभी पहला क्वेश्चन क्या था? वही था, घुमा के पूछ लिया है, 14 लाइंस की होती है। ठीक है, अब हमारे जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो स्टैंजा फॉर्म से हैं। ठीक है, अब स्टैंजा फॉर्म से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इट इज ए पेयर ऑफ टू राइमिंग लाइंस ऑफ इएम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पेयर ऑफ टू राइमिंग लाइंस, यानी कि इएम्बिक पेंटामीटर की जो राइमिंग लाइंस हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, तो वो होती है हमारी हीरोइक कपलेट्स। क्या होती हैं? हीरोइक कपलेट। हु
परफेक्टेड हीरोइक कपलेट आफ्टर जॉन ड्राइडन, यानी कि परफेक्ट हीरोइक कपलेट जॉन ड्राइडन के बाद किसने सबसे अच्छे तरीके से किया? तो ये थे अलेक्जेंडर पॉप, ठीक है। नेक्स्ट है द हीरोइक कपलेट इन ए पेयर ऑफ टू लाइंस ऑफ, हीरोइक कपलेट्स इन अ पेयर ऑफ टू लाइंस ऑफ, सेम जैसे पहला क्वेश्चन था, सेकंड वाला तो थर्ड वाला है उसी की तरह घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। हीरोइक कपलेट आ गया, तो ये हीरोइक कपलेट किसका पेयर होता है? इयम्बिक पेंटामीटर का, ठीक है। फोर्थ है हमारा ब्लैंक वर्स इज अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ लाइंस विच डू नॉट, यानी कि ब्लैंक वर्स एक फॉर्म होती है सेट ऑफ लाइंस की जो नहीं करती है, क्या नहीं करती है? राइम विद वन अनदर, प्रोड्यूस एनी रिदम, हॉल्ट टिल अ ब्रेक, हैव एनी एल्टरेशन, ठीक है। तो क्या नहीं करती? राइम विद वन अनदर, यह एक दूसरे के साथ राइम नहीं करती, ठीक है। फिफ्थ है हमारा ब्लैंक वर्स वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इन इंग्लिश लिटरेचर वाई, यानी कि ब्लैंक वर्स जो है इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? तो ये किया गया था आपका नॉर्टन एंड सैकविले, ठीक है। जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज ग्रेट एपिक, यानी कि जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज किस अपने महान काव्य में किया है? तो ये क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, जो हमने पढ़ा है वही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ, दिस स्टैंजा फॉर्म कंसिस्ट ऑफ एट इयम्बिक पेंटामीटर एंड एन अलेक्जेंड्राइन, यानी कि ये जो स्टैंजा है वो कंसिस्ट करता है एट एम्बिक पेंटामीटर्स, उसमें एट एम्बिक पेंटामीटर्स होती हैं, लाइंस होती हैं, एंड अलेक्जेंड्राइन, यानी कि नाइन्थ को क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन होते हैं बोलते हैं। तो ये क्या है? ये होता है, ये कौन सा स्टैंजा कहलाता है? पहले पढ़ चुके हैं हम स्पेंसेरियन स्टैंजा, इसी ये जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है इसमें एट एम्बिक पेंटामीटर्स लाइंस होती हैं, और जो नाइन्थ लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन, ठीक है। राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसेराइन स्टैंजा इज, यानी कि राइमिंग स्कीम किस तरह से वो राइमिंग करती है, वो स्कीम स्पेंसेराइन स्टैंजा की क्या है? तो ये है आपकी ये वाली ए बी ए बी बी सी और बी सी सी, ठीक है। नाइन्थ है ही इन्वेंटेड द स्पेंसेराइन स्टैंजा, किसने किया था? ही यानी कि वह, उन्होंने जो स्पेंसेरियन स्टैंजा का इन्वेंट किया था वो कौन थे? तो वो थे हमारे एडमंड स्पेंसर, कौन थे? इसी इन्हीं के नाम पे तो स्पेंसेरियन पड़ा है, ये कौन थे? एडमंड स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट This stanza form is composed of iambic tercets, यानी कि ये stanza form composed की जाती है किसके द्वारा? iambic tercets के द्वारा। तो ये कौन से हैं? तो ये हैं terza rima, कौन सी हैं? terza rima, ठीक है। rhyming scheme of terza rima, यानी कि टेरा रीमा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है? तो इसकी होती है ए बी ए बी सी बी सी डी सी ई एक्सेट्रा, ठीक है, ए होगा इसका। हाउ मैनी सिलेबल काउंट इन ईच लाइन ऑफ टर्जा रीमा, यानी कि कितने सिलेबल काउंट किए जाते हैं, कितने वर्ड्स काउंट किए जाते हैं ईच लाइन ऑफ टर्जा रीमा? कितने? 11, कितने? 11, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। इन विच ईयर वॉज शेक्सपियर प्रोबेबली बॉर्न, यानी कि शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो किस साल हुआ था, कौन सी ईयर में? ये हुआ था आपका 1564 में, 1564। Who was the wife of Shakespeare? Shakespeare की वाइफ का क्या नाम था? एने। क्या था? एने। How many sonnets had Shakespeare composed? कितने सोनेट शेक्सपियर ने कंपोज किए थे? 154। और जो मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है वो कौन सा सोनेट, कौन से सीक्वेंस है उसका? 116। ठीक है, याद रखनी है ये बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ ट्रू लव, यानी कि ट्रू लव का सीक्वेंस नंबर कितना है? 116 है। कितना है? 116। हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन ट्रू लव, कितने क्वाड्रेंट्स हैं ट्रू लव में? तो ये हैं 3। कितने हैं? 3 क्वाड्रेंट्स हैं ट्रू लव में। टू विच एज डज शेक्सपियर बिलोंग, यानी कि शेक्सपियर जो है वो किसके शासनकाल में, किसके इरा में थे? क्वीन एनी, ट्रांसलेशनल, एलिजाबेथिन और विक्टोरियन। तो ये थे किसमें? एलिजाबेथिन के टाइम पीरियड में। शेक्सपियर कंपेयर्स ट्रू लव टू, शेक्सपियर ने ट्रू लव को किससे कंपेयर किया है बताइए? अरे हमने पहले ही पढ़ रखा है भैया, ट्रू लव किसकी तरह है? पोल स्टार की तरह है, जो जो ट्रू लवर्स होते हैं उनका पथ प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम मिल्टन के बारे में, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइस लॉस्ट इज क्या है? अरे मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है? एक एपिक है। क्या है? एपिक है। हु डज मिल्टन इनवोक इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने ओपनिंग लाइंस में पैराडाइज लॉस्ट के बारे में किसके बारे, किसका जो किया है व्याख्या, किसकी की है व्याख्या? हेवनली म्यूज भैया, सरस्वती माता जो स्वर्ग में बैठी है उनको आह्वान किया था उसने कि हे माता आप मेरी लिखने में मदद करें, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कब पब्लिश हुआ था? 1667 में। हाउ मैनी बुक्स आर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, कितनी बुक्स को मिलाकर पैराडाइज लॉस्ट हुआ है, बना है? 12। कितनी? 12 बुक्स। पांचवा है, मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट इन, किसमें लिखा है मिल्टन ने? अरे भैया एपिक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड स्टाइल में लिखा होगा। हमने कंटेक्स्ट में, रेफरेंस में पहले ही पढ़ा था कि ग्रैंड स्टाइल में पढ़ा तो लिखा हुआ है ये। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, थीम क्या है इसका पैराडाइज लॉस्ट का, इसका थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन, यानी कि किस तरह मनुष्य जो है वो स्वर्ग से नीचे जमीन पर गिरता है, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरना बताया गया है। हु रिप्रेजेंट्स एविल इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि एविल का रोल किसने किया है पैराडाइज लॉस्ट में? अरे भैया सटन ने किया है, किसने? शतान। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई, अब देखो कितना इजी है, मिल्टन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉन मिल्टन ने ही किया है, ठीक है। नौ पढ़ेंगे, नौ क्या कह रहा है? मिल्टन इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ, मिल्टन जो है वो किसके लिए जाने जाते थे? हाइपरबोला एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके यूज के लिए जाने जाते थे। हु इज द नेक्स्ट
टू सटन इन पावर इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि सटन की शक्ति के बराबर, सटन के बाद कौन था पैराडाइज लॉस्ट में? ये था व्हीलजेबुब। कौन था? ए, इसका नाम है व्हीलजेबुब। मिल्टन डाइड ऑन 8th December। मिल्टन डाइड कब हुई मिल्टन की मृत्यु? 1674 में। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन, अब पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश्ड किया गया? तो ये पब्लिश्ड किया गया 1658 से 65 के बीच, ठीक है। मिल्टन वॉज द चाइल्ड ऑफ द, मिल्टन जो है वो चाइल्ड थे किसके? तो ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ। 13 मिल्टन वॉज द चाइल्ड ऑफ रिनेंसिस, रिफॉर्मेशन, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू। रिनेंसिस और रिफॉर्मेशन के चाइल्ड थे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंडन इन ब्रीड स्ट्रीट चीप साइड ऑफ द 9th September। तो जॉन मिल्टन जो है वो बॉर्न हुए थे कब? 1608, ठीक है। मिल्टन इज अनडाउटेडली द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट मिल्टन? मिल्टन निसंदेह पहले आर्किटेक्ट से स्टाइल के इन इंग्लिश लैंग्वेज जो स्टाइल को दर्शाते थे, ये बात किसने कही है मिल्टन के बारे में? तो ये बात बोली है मैक वॉटसन ने। किसने बोली? मैक वॉटसन ने। सिक्सटीन है राइट डाउन द नेम ऑफ मिल्टन्स नोबल पोएटिक ड्रामा बेस्ड ऑन अ ग्रीक मॉडल, यानी कि मिल्टन के नोबल पोएटिक ड्रामा बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल, जो ग्रीक मॉडल ड्रामा बेस्ड है उस नोबल का क्या नाम है? तो ये है आपका सैमसन अगॉन्स्टिस। क्या है? सैमसन अगॉन्स्टिस। मिल्टन इज क्लासिकल बोथ इन मेथड एज वेल एज स्टाइल। हु मेड दिस कमेंट ऑन द स्टाइल ऑफ मिल्टन? यानी कि मिल्टन जो है क्लासिकल है बोथ इन मेथड, दोनों ही मेथड में, एज वेल एज स्टाइल, जैसे कि स्टाइल में है। ये कमेंट किसने किया था मिल्टन की स्टाइल पर? तो ये किया था आपका रैलिगी। किसने किया? रैलिगी। नेक्स्ट है Who said these words about Milton? यानी मिल्टन के बारे में ये वर्ड्स किसने कहे? वर्ड्स क्या हैं? मिल्टन वॉज एसेंशली एन आर्टिस्ट एंड अ रिफॉर्मर, येट अनकॉन्शियसली देयर स्प्रिंग्स अप अ गुड ऑफ फिलॉसफी आउट ऑफ हिज आर्ट। यानी कि मिल्टन एक बहुत ही असाधारण परफॉर्मर था, येट अनकॉन्शियसली देयर स्प्रिंग्स ऑफ ए गुड ऑफ फिलोसफी, और उसकी जो पारदर्शिता थी, फिलोसफी थी, आगे की देखने की क्षमता थी, वो बहुत ही अच्छी कला थी। ये बात उसके बारे में किसने बोली है? तो ये बोली है लेस्ली जॉन्स। किसने बोली? लेस्ली जॉन्स ने। ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स दैट एवर लिव्ड मिल्टन हैड सर्टेनली द फाइनेस्ट ईयर। हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट मिल्टन? यानी कि कोई भी इंग्लिश पोएट्स जो सबसे ज़्यादा जिया है, मिल्टन है सर्टेनली फाइनेस्ट ईयर। मिल्टन के पास सबसे, मिल्टन जो है सबसे अच्छा ईयर मीन्स कान, कान का मतलब यहाँ पे कान नहीं है, मतलब उसके सुनने, मतलब मिल्टन को जो सबसे ज़्यादा सुनता था। हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट मिल्टन? यानी मिल्टन को ही सबसे ज़्यादा सुना गया एक एरा के अंदर। तो ये बात किसने कही मिल्टन के बारे में?
तो ये बात बोली है कॉपर ने, किसने बोली? कॉपर ने, ठीक है। इन हाउ मैनी बुक्स वाज पैराडाइज लॉस्ट वा ओरिजिनली डिवाइडेड? हाउ मैनी बुक्स वाज पैराडाइज बुक ओरिजिनली डिवाइडेड? ओरिजिनली डिवाइडेड जो था वो 10 था। कितना था? 10। अगर आपको ओरिजिनल लिख के नहीं आएगा तो आपको 12 लगाना है। 12 लगवाया मैंने पीछे, लेकिन अगर पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली डिवाइडेड कहेंगे तो वो 10 था। कितना था? 10 बुक्स में। हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के ऑथर कौन थे? अरे भैया मिल्टन ही थे। कौन थे? मिल्टन। मिल्टन इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ, अभी बोला, अभी कुछ टाइम पहले बोला भैया, एपिक इसके, एपिक सिंबली। सबसे ज्यादा यूज किसका किया है? हाइपरबोल का, ठीक है। लेकिन नोन फॉर हिज यूज ऑफ, लेकिन नॉर्मली किसका यूज करते थे? एपिक सिमिली का भी यूज करते थे, ठीक है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट रिटन बाई मिल्टन? यानी कि ग्रुप ऑफ वर्क्स, यानी में से इनमें से कौन सा ऐसा काम है, इस कौन सा ऐसा एक वर्क है जो मिल्टन के द्वारा नहीं किया गया? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन अगोस्टिस और एनाइड, तो कौन सा नहीं किया गया? ये एनाइड। कौन सा? एनाइड। राइट द नेम ऑफ मिल्टन्स वर्क विच ही रोट ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। मिल्टन के उस वर्क का नाम बताइए जो उसने अपने फ्रेंड की मृत्यु, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था। कौन सा था? लैसीडस। कौन सा था? लैसीडस, ठीक है। आज का ये पार्ट वन था, आज ये हमने आपको पहला पार्ट करवा दिया है। अभी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों तक, फ्रेंड्स लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।